तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, जो 2020 से 23 सेशन वाले और 21 से 24 सेशन वाले जो ग्रेजुएशन में पार्ट वन में यानी कि एडमिशन ले चुके हैं, तो उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर ऑनलाइन अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ मैं यहाँ पर। फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नबी नगर औरंगाबाद बिहार के, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना हुआ इस वाले वेबसाइट पर। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो वेबसाइट दिया है इस वाले वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल का सेक्शन जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होता है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन एडमिशन होता है या ऑनलाइन अप्लाई होता है एडमिशन के लिए, तो सभी इसी वाले पोर्टल पर होता है, जो यहाँ पर आपको पोर्टल का नाम दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लिखा हुआ डिग्री रजिस्ट्रेशन, तो डिग्री रजिस्ट्रेशन के लिए इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ पेज इस तरीके से देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप जानकारी ले लेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आना होगा। इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप पूरी तरह से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक कीजिएगा। डिग्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा। अब यहाँ पर मन में सवाल आता हो कि रेफरेंस नंबर आपको हमें कहाँ से मिलेगा। रेफरेंस नंबर आपको वहाँ से मिलेगा जब आप एडमिशन लिए होंगे। एडमिशन लेने के समय आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा जो एडमिशन रसीद पर होगा। एडमिशन रसीद पर आपको मिलेगा जो जिनका 20 से 23 सेशन यानी कि 2020 से 2023 सेशन वाले होंगे और जो 2021 से 2024 सेशन वाले होंगे, तो जिनका 2020 से 23 सेशन वाले होंगे उनका रेफरेंस नंबर जो स्टार्टिंग होगा 20G से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जिनका 21 से 24 सेशन वाले होंगे उनका 21G से स्टार्टिंग होगा रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालिएगा, इसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर दिखाया गया है, जो यहाँ पर रेफरेंस नंबर, नेम, जेंडर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर पार्ट वन, इसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम BA या BSc। इसके बाद क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज देखने को मिलेगा जो यहाँ पर पहले से डिटेल अवेलेबल होगा कुछ। यहाँ पर जैसे नाम रहेगा, यहाँ पर कॉलेज का रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका सही डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पर देख लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर नाम और यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ पर हाईलाइट है वो आप यहाँ पर अभी भी सुधार कर सकते हैं। जिनका सुधार नहीं करना हो तो केवल यहाँ पर जो डी हाईलाइट है यानी कि डीप कलर में है तो उसको आपको सुधार नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी तक आपका यहाँ पर हाईलाइट है, जो यहाँ पर पेज ओपन तरह का है यानी कि पूरा वाइट है, उसको आप सुधार कर सकते हैं अभी भी। और यहाँ पर सभी डिटेल पूरी तरह से मिला लेंगे, जैसे जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगरी और डिसेबिलिटी जो भी होगा आप पूरी तरह से मिला लेंगे। अगर गलत होगा तो आप यहाँ पर सुधार अभी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल लेना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप याद हो तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस पूरा दिया गया, एड्रेस आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर पिन कोड। इसके बाद नीचे आना है थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है। यहाँ पर डिग्री का नाम दिया गया है, कौन सा आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे BSc है तो BA यहाँ पर दिया गया है। सभी डिटेल पहले से अवेलेबल होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम यानी कि ऑनर्स का नाम दिया गया है। आप सब्जेक्ट यहाँ से चुनाव कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट रखना होगा। जैसे यहाँ पर सब्सिडरी में फिजिक्स है, यहाँ पर इसके बाद सब्सिडरी टू में यहाँ केमिस्ट्री, इसके बाद यहाँ पर कंपोजिशन में हिंदी एंड इंग्लिश कंपोजिशन, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका होगा, जैसे कि हिंदी ओनली 100 नंबर का रखना चाहते हैं तो ओनली 100 नंबर का यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, पहले से अवेलेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ आना है आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है आप सब चूज कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड चूज कर लेता हूँ, डेबिट कार्ड पर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई भी अगर गलत होगा अभी भी, तो यहाँ पर एडिट वाला पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से एडिट अभी भी कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पर गलत आपको अगर दिखाई देता है तो यहाँ पर आप एडिट अभी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए फोटो अगर गलत है तो यहाँ पर फोटो यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी आपका होगा, आपका गलत हो तो यहाँ से फोटो आप चूज करके यहाँ पर दूसरा फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर डिटेल आपका गलत हो तो आप एडिट वाला सेक्शन जो बताया मैं, यहाँ पर एडिट आप जो भी करना चाहते हैं आप एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट का सेक्शन आएगा, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद नीचे आइएगा और जो पेमेंट सेक्शन, यहाँ पर पेमेंट सेक्शन चूज कर लीजिए। और पेमेंट सेक्शन चूज करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो भी आपका पेमेंट लगेगा यहाँ पर पेमेंट दिखाया जाएगा, पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी, अगर इसका मान लीजिए GST कटता हो या कुछ भी कटता हो, तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल शो कर जाएगा, टोटल पेमेंट आपका कितना कटेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी तक वहाँ पर 810 रुपये दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको 710 रुपये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर आती है बात, यहाँ पर जो पेमेंट इतना कम कैसे हो गया, तो कम होने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड जो दिया गया है यहाँ पर कार्ड नंबर डालिएगा, और कार्ड नंबर डालने के बाद पेमेंट कीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर छूट दिया गया है, अपने अनुसार जो भी कैटेगरी हो वो अपना चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड डालिए, यहाँ पर सभी डिटेल डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट करके रिसिप्ट प्राप्त हुआ, रिसिप्ट प्राप्त करने के बाद अपने कॉलेज में जाकर आपको टोटल डिटेल जमा कर देना है। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो 2021 से 24 सेशन हो या 2020 से 23 सेशन हो, सभी का इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर मन में किसी भी तरह का अगर अभी भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सभी फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा।